हेलो फ्रेंड्स, पिंकी रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए पत्ता गोभी की एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत जल्दी बन जाती है, और आपको जब इसको बना खाएंगे ना तो आप नॉन वेज भी भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी सब्जी होती है। आप साधारण सी पत्ता गोभी बनाकर अगर बोर हो गए तो आप इस सब्जी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने पत्ता गोभी बनाना। ये देखिए, मैंने गोभी ले ली है। अब मैं इसके छिलके ऊपर से उतार लूँगी, जो हमारा पार्ट सही नहीं है। ये देखिए, मैंने इसको कट कर लिया है। मैंने इसको बड़े बड़े पीस में कट करा है, आप चाहे तो छोटे छोटे पीस भी कट कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने एक बर्तन ले लिया, इसमें डालूंगी अपने पत्ता गोभी कटे हुए। ये फ्रेंड्स, मैंने धो के अच्छे से काट लिया है। ये देखिए, मैंने पूरा पत्ता गोभी बर्तन डाल दिया। अब डालेंगे कटोरी बेसन, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच, अजवाइन एक छोटा चम्मच, ये मैंने हाथों से क्रश करके डाला है, और एक छोटा चम्मच गरम मसाला। और फ्रेंड्स, अब इसमें पानी डाल के अच्छे से बेसन और पत्ता गोभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हाथों की सहायता से। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये देखिए, हमारा बैटर तैयार हो गया था। अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, आपको चेक करके भी दिखा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कोफ्ते तल लेते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे कोफ्ते तल लेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करें, अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक करने से फ्रेंड्स ये होता है, मुझे पता चलता है कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तब तो ठीक है, और अगर मेरा वीडियो आपको कम अच्छा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और सोचूंगी, अच्छा बनाऊँ आपके लिए, अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँ। तो ये देखिए, हमारे ऊपर से कोफ्ते पक चुके हैं। अब मैं इनको पलट दूंगी ताकि हमारे कोफ्ते नीचे से भी। फ्रेंड्स, जब ये कोफ्ते पक जाएंगे आप इनको बाहर निकाल लेंगे, और जब आप सब्जी में से ग्रेवी में डालेंगे ना तो पत्ता गोभी में क्रंचनेस आता है, वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। जैसे आपने फूल गोभी कोफ्ते बनाए होंगे, लौकी कोफ्ते बनाए होंगे, लेकिन पत्ता गोभी कोफ्ता बहुत ही यूनिक लगता है, और अगर आप काट के इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए, हमारे कोफ्ते भी एकदम फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा आ गया है। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे कोफ्ते हम निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए, अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। मैंने दो प्याज लिए, लहसुन, काली मिर्च के दाने, तीन लौंग, दो हरी इलायची, तीन हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, दालचीनी, जीरा, अदरक और एक हरी मिर्ची, इन सबको हम मिक्सर में पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने सबको मिक्सर में पीस लिया है, हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। फ्रेंड्स, आप जब भी कोफ्ते या सब्जी बनाएं तो इसमें आप उस तेल का यूज़ ना करें, दूसरा तेल यूज़ करिए, उससे कोफ्ते का ग्रेवी और सब्जी का टेस्ट अलग आता है। तो ये देखिए, मेरा तेल गरम हो गया था, मैंने उसमें डाल दिया एक टुकड़ा दालचीनी का और एक छोटा चम्मच जीरा। अब जो हमने मसाला पीस के तैयार किया था उसको डाल देंगे। अब इसको हल्का सा भून लेंगे, आप देख सकते हैं इसी तरीके से। बस फ्रेंड्स, दो मिनट आप भूनिएगा, दो मिनट भूनिएगा फ्रेंड्स। अब इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। ये देखिए, एक चम्मच हल्दी पाउडर, ये छोटा चम्मच से है, एक चम्मच हरी धनिया पाउडर, ये भी छोटा चम्मच है, एक चम्मच किचन किंग चाहे गरम मसाला, आप जो सब्जी मसाले यूज करते हो, और एक छोटा चम्मच नमक। फ्रेंड्स, मैंने इसमें काश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, मैं ऐसे ही बना रही हूँ इसको। और इसमें देखिए, आप मैंने ज़्यादा मिर्ची भी नहीं डाली क्योंकि मैं घर में बना रही हूँ, मेरे घर में सब तीखा कम खाते हैं, तो इसीलिए।
ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं, उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। ये देखिए हमारे मसाले हो गए हैं, अब इसमें डाल दूँ मैं टमाटर की प्यूरी। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए देखते हैं हमारे मसाले। ये देखिए हमारे टमाटर और मसाले अच्छे से पक चुके हैं। आप देख सकते हैं साइड से तेल भी छोड़ दिया है इसने मसालों ने। पानी अब अपने हिसाब से डालिएगा। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी चाहिए तो आप पानी कम डालें, अगर आपको पतली चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा ही डाली है क्योंकि मैं इसको रोटी के साथ सर्व करूँगी, और आप चाहे रोटी चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये सब्जी रोटी चावल नान किसी के साथ भी बहुत ही टेस्टी होती है, और आप ये सब्जी ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी सब्जी होती है ये। अब इसको ढक के हम पका लेंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए हमारी सब्जी में उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पक रही है ये। अब इसमें हम डाल देंगे अपने कोफ्ते। फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते डाल दिए हैं, अब मैं इसको ढक के 5 मिनट के लिए पकाऊंगी सिर्फ। ये देखिए मैंने ढक दिया है, और ये देखिए मेरे कोफ्ते एकदम अच्छे से पक गए हैं इसमें। अब मैं गैस कर दूंगी ऑफ। ये देखिए आप देख सकते हो कोफ्ते भी इसमें कितने अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें डाले मैं 1 छोटा चम्मच कटा हुआ हरा धनिया। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मेरी सब्जी बनके एकदम तैयार हो गई फ्रेंड्स। ये जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी खाने में भी टेस्टी लगती है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।